बच्चों एक कहानी सुनिए। एक गांव था, वहां पर एक भूत था। तो गांव वाले लोग बहुत परेशान थे। वो भूत जो था वो गांव वालों को बहुत परेशान करता था, सारे ही उससे बहुत परेशान थे। तो एक पंडित जी जो आए तो उनसे कहा गया, लोगों ने उनसे बोला कि आप कुछ भी करके हमें इस भूत से छुटकारा दिलाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं भूत को आज रात पकड़ूंगा। तो उन्होंने रात में भूत को तंत्र मंत्र करा और भूत को पकड़ लिया और बोतल में बंद कर दिया। और भूत से तो भूत रोने लगा। भूत ने कहा नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अब परेशान नहीं करूँगा। उन्होंने कहा मैं बस एक ही शर्त पर तुम्हें छोड़ूंगा। उसने पूछा क्या? तो उन्होंने कहा तुम बस ये जो एक पेड़ है इसके ऊपर चढ़ोगे और उतरोगे, चढ़ोगे और उतरोगे, और तुम जैसे ही तुम रुके मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। तो भूत ने कहा ठीक है, मैं जो आप कहेंगे मैं करूँगा, मैं रुकूँगा नहीं। और वो भूत लगातार ऊपर चढ़ता था, उतरता था, चढ़ता था, उतरता था। और क्योंकि वो चढ़ने उतरने में व्यस्त था तो उसने गांव वालों को परेशान करना छोड़ दिया और इस तरह से गांव वालों की जो मुसीबत थी वो दूर हो गई। ये कहानी मैं इसलिए सुना रही हूँ बच्चों, क्योंकि जो बच्चे कक्षा में थोड़े शैतान होते हैं या हाइपर एक्टिव होते हैं बच्चे, उनको किसी ना किसी काम में लगाना पड़ता है। तो अपने बच्चों को शिक्षक जब कोई काम देता है तो वो इसलिए देता है कि आप लोग कक्षा में शैतानियाँ ना करें। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो भूत जैसे होते हैं, उनको किसी ना किसी काम में हमेशा लगा के रखना पड़ता है जिससे कि वो कोई और शैतानी ना करे, किसी को परेशान ना करे। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी।